दोस्तों हम लोग आज जानेंगे प्री पेड प्लान और पोस्ट पेड प्लान में क्या डिफरेंस है। जब आप कोई सिम खरीदते हैं तो उस सिम के लिए आप जब भी कभी खरीदने जाते हैं किसी शॉपकीपर के पास या जो भी सिम स्टोर करता है उसके पास, जब आप परचेज़ करने जाते हैं तो आपसे सबसे पहले पूछते हैं कि आप कौन सी टाइप के सिम लेना चाहते हैं, प्री पेड प्लान लेना चाहते हैं या पोस्ट पेड प्लान लेना चाहते हैं। तो आपके दिमाग में जनरली प्रीपेड ही आता है, पोस्ट पेड मोस्टली लोग नहीं यूज़ करते हैं। तो हम लोग आज इस वीडियो में जानेंगे कि प्रीपेड और पोस्ट पेड में क्या डिफरेंस होता है, दोनों में कौन सा अच्छा होता है, किसको हमें यूज़ करना चाहिए और क्यों यूज़ करना चाहिए, ये सारी चीज़ें हम लोग आज इस वीडियो में कवर करेंगे। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे, एक सेकेंड में आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। सिम का फुल फॉर्म आपको पता है? नहीं पता है तो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। सिम का जो फुल फॉर्म होता है, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी, गेस करिए आगे क्या है, एम फॉर सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। जी हाँ, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, ये है सिम का फुल फॉर्म। ओके, एक सेकेंड, मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा। आप सब लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं इतने इजी टॉपिक्स क्यों लेके आ रहा हूँ। दोस्तों मैं इसका जवाब आपको दे दूँ, मैं इतना आसान टॉपिक, मुझे पता है कि ये मोस्टली लोगों को पता होता है सब चीज़ें, सिम क्या, फुल फॉर्म क्या है, या सिम कितने टाइप की होती है, प्रीपेड पोस्ट पेड सबको पता होता है कि इनमें क्या डिफरेंस है। लेकिन उन सब लोगों में से कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको एक्चुअली में नहीं पता होता है। तो मैं बेसिकली आज का जो मेरा सेशन है उन्हीं लोगों के समझने के पर्पज़ से क्रिएट किया जा रहा है। तो आप इस चीज़ को माइंड ना करिएगा, आप लोगों को अगर आता है तो आप इसको क्विट कर सकते हैं, कोई ज़बरदस्ती नहीं आपको देखना। अगर आपको अच्छा लग रहा है देन बने रहिए एंड तक, और नहीं अच्छा लग रहा है तो आप इसको क्विट कर सकते हैं। जब आपको आता है तो आप टाइम क्यों वेस्ट करेंगे। लेकिन उन लोगों के लिए क्या, जिन लोगों को ये चीज़ नहीं आती है, तो बेसिकली दिस इज़ फॉर दोज पीपल हु डू नॉट नो एब्सोल्युटली दे डू नॉट नो व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन प्रीपेड एंड पोस्ट पेड प्लान। तो उनको जानना ज़रूरी है क्योंकि हो सकता है फ्यूचर में उनको यूज़ करना पड़े, तो उनको पता होना चाहिए ना कि पहले क्या होता है। तो चलिए डायरेक्टली टॉपिक पे आते हैं। दोस्तों हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे प्रीपेड प्लान से। दोस्तों प्रीपेड प्लान क्या होता है? प्रीपेड प्लान एक तरीके की ऐसी प्लान होती है, जब आप कोई सिम खरीदते हैं तो इस सिम को जब आप खरीदते हैं तो आप उस सिम के अंदर जो भी चीज़ आप अवेल कर रहे हैं, जो भी आप उसके अंदर क्रेडिट ले रहे हैं, जैसे वो क्रेडिट आपका डेटा पैक हो सकता है, कॉलिंग मिनट्स हो सकते हैं, मैसेजिंग जो SMS आप करते हैं उसके लिए आपको सुविधा हो सकती है, फैसिलिटी हो सकती है, या और भी चीज़ें हो सकती हैं। तो जो भी आप सर्विस आप अवेल करना चाहते हैं, उन सर्विस को अवेल करने से पहले आपको पेमेंट करना होता है। इसके नाम से पता चला प्री पेड, मतलब फर्स्ट पेड देन यूज़, फर्स्ट यू हैव टू पे देन यूज़ इट, अवेल इट। वहीं अगर हम पोस्ट पेड की बात करें तो पोस्ट पेड में क्या होता है, एज इट्स नेम सजेस्ट दैट पोस्ट पेड मीन्स यू हैव टू enjoy, you have to avail your service first, after the end of the month you can pay it. तो पोस्ट पेड और प्री पेड में बहुत सिंपल सा डिफरेंस है, और अब जानते हैं इसके बारे में थोड़ा डेप्थ में। देखिए दोस्तों प्री पेड क्या होता है, प्री पेड में आप जो भी क्रेडिट लेते हैं, जो भी आपको डेटा पैक मिलता है उतना आप यूज़ कर सकते हैं, उससे ज़्यादा अगर आप यूज़ करेंगे तो आप यूज़ ही नहीं कर सकते, वो एक्सपायर हो चुका होता। जनरली आप कोई प्रीपेड प्लान लेते हैं तो 28 डेज़ के लिए मिलता है आपको। वहीं अगर पोस्टपेड प्लान की बात करें तो उसमें क्या है कि अगर आप, जैसे उसमें क्या होता है कि एक आपसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया जाता है कि आपका मंथली बजट कितना है, कितना आप कंज्यूम करते हैं डेटा, या फिर कॉलिंग आप अनलिमिटेड कितनी कॉल करते हैं, उस हिसाब से आप एक लिमिट तय करते हैं। लेकिन अगर आप उस लिमिट को मंथली में क्रॉस भी कर जाते हैं तो उसमें कोई आपका जो आपकी सर्विस है वो रुकेगी नहीं, आप उसको फर्दर कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन जो कंटिन्यूएशन का जो एक्स्ट्रा चार्ज होगा, आपकी जो बिलिंग होगी एंड ऑफ द मंथ में, उसमें वो ऐड होकर के आ जाएगी। ये डिफरेंस होता है प्रीपेड और पोस्ट पेड प्लान में। दोस्तों आप पूछेंगे हमसे कि कौन सा अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। तो प्रीपेड प्लान जो होती है ना, उन लोगों के लिए होती है जो लोग जनरली रिटेल कस्टमर्स हैं, जैसे कि हम लोग आप लोगों में, यंगस्टर्स जो होते हैं जनरली वो प्रीपेड यूज़ करते हैं। जबकि पोस्ट पेड प्लान उन लोगों के लिए बेसिकली बनाई गई है जो लोग बिज़नेस को डील करते हैं, या उनके पास बहुत सारा काम है, उनके पास यू नो
तरह तरह की इंक्वायरीज करनी है या भेजनी है या कुछ रिसीव करनी है, उन लोगों के लिए पोस्टपेड की ज़रूरत होती है, जिन लोगों को कोई ऑर्गेनाइजेशन चलानी है, बिजनेस चलाना है बेसिकली। तो पोस्टपेड प्लान आप भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप नहीं कर सकते, लेकिन वही है कि आपका एक्सपेंस बढ़ जाएगा। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप कर लीजिए, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। अच्छी चीज़ है, आप इंजॉय करिए, उसके बाद आप पे करिए। यहाँ पे एक बात निकल के आती है कि जो प्रोवाइडर होता है, सर्विस प्रोवाइडर, वो आपके ऊपर विश्वास करता है, आपके ऊपर रिलाई करता है। फर्स्ट आप सर्विस यूज़ कर रहे हैं, उसके बाद आप पे करेंगे। लेकिन अगर इन केस अगर आप नहीं पे करते हैं, आप भाग जाते हैं या कुछ कर देते हैं, तो आपसे वो जो प्रूफ लिया होता है ना सिम कार्ड देने से पहले, उस प्रूफ के जरिए आपके ऊपर लीगल केस कर सकता है। तो आप ये भी नहीं कर सकते हैं। तो ये है प्रीपेड और पोस्टपेड के मेन डिफरेंस। और मैं इसमें अगर आपको डिफरेंस बताना चाहूँ तो प्रीपेड सर्विस जो होती है वो मोर रिलायबल होती है, मतलब इजीली लोग उसको एक्वायर करना चाहते हैं, जबकि पोस्टपेड प्लान में थोड़ा सा लोग सोचते हैं यार कि लोगों के अंदर एक साइकोलॉजिकल फियर होता है कि पता नहीं कितनी बिलिंग आ जाएगी, है ना, इस तरीके का प्रोसेस होता है। जबकि इसमें क्या है, प्रीपेड प्लान में लोगों को फेयर नहीं होता है किसी चीज़ का। लोग समझते हैं कि चलो यार 28 दिन की वैलिडिटी है, चलो 28 दिन तक तो रहेगी, और इसमें इतना डेटा मिल रहा है, चलो ठीक है इतना मिलेगा, इतनी कॉलिंग है, चलो इतनी मिल रही है। यहाँ पे श्योरिटी होती है कस्टमर के लिए, कोई कोई किसी तरीके का साइकोलॉजिकल फियर नहीं होता। जबकि पोस्टपेड प्लान में क्या होता है कि हो सकता है कौन सा एक्स्ट्रा चार्ज जोड़ दे बिलिंग के मंथ के एंड में जो बिलिंग आ रही है उसमें, तो इस तरीके का एक साइकोलॉजिकल फियर होता है। तो आई होप दोस्तों कि आपको प्रीपेड प्लान और पोस्टपेड प्लान में आपको अच्छे से डिफरेंस समझ में आ गया। अगर आपको समझ में आ गया देन प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करके जाइएगा, और ऑल्सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल लर्निंग टेक्निकल एंड प्रेस द बेल आइकन नियर टू सब्सक्राइब बटन सो दैट यू डू नॉट मिस एनी इन्फॉर्मेशन इन कमिंग टाइम। सो आई विल सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।